हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपना आईपीएस एड्रेस है वो कैसे छिपा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट पे सर्च करना बहुत ही रिस्की होता है। इसकी वजह से आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो उस वेबसाइट पे आपका आईपीएस एड्रेस और आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं कि आप अपना आईपीएस एड्रेस है वो कैसे हाइड करोगे और अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो कैसे हाइड करोगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्केप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टोर ब्राउज़र की। तो टोर ब्राउज़र से आप कोई भी इंटरनेट पे चीज़ सर्च करते हो या मान लो किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो उस वेबसाइट पर आपका आईपीएस एड्रेस और आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो नहीं जाएगी। वो टोर ब्राउज़र है वो अपनी अपना आईपीएस एड्रेस है वो उस वेबसाइट पे भेजेगा, जिससे आपका जो आईपीएस एड्रेस है या फिर आपकी जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी है वो हाइड रहती है। इसे आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपका जो आईपीएस एड्रेस है वो ट्रैक नहीं होगा। टेक्निकल भाषा में मैं आईपीएस एड्रेस को आपको समझाना चाहूँ या टोर ब्राउज़र के बारे में समझाना चाहूँ तो काफ़ी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा तो जैसे मान लो कि आपने कोई भी वेबसाइट है वो विजिट की और उस वेबसाइट पर आप सबसे पहले मान लो कि आपने लिखा www.google.com और उस वेबसाइट पर आपने विजिट किया। यदि आपके पास टोर ब्राउज़र नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट सर्च करते हो, तब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी है वो गूगल के पास जाती है। आपका आईपीएस एड्रेस और आईपीएस एड्रेस के साथ साथ आपकी जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जाती है। लेकिन जब आप टोर ब्राउज़र से सर्च करते हो तो सबसे पहले टोर ब्राउज़र के सिस्टम में टोर ब्राउज़र के ऐसे बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं, आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हो, ऐसे बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं। तो किसी एक सिस्टम के पास आपका टोर ब्राउज़र से एक सिस्टम के पास आईपीएस एड्रेस जाएगा और वो आपके ओरिजिनल आईपीएस एड्रेस को छिपा के अपना आईपीएस एड्रेस है वहाँ पे सेंड करेगा। तो इसे गूगल या फेसबुक कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो तो उस पर वो एड्रेस है आपका ओरिजिनल जो आईपीएस एड्रेस है वो हाइड रहता है, वो शो नहीं करता। तो दोस्तों, इस तरीके से आप है वो अपना आईपीएस एड्रेस है वो हाइड कर सकते हो। और अब मैं बात करूंगा कि टोर ब्राउज़र को डाउनलोड कैसे करें और डाउनलोड करने के साथ साथ इसका यूज़ है वो कैसे करें। तो आज के इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि टोर ब्राउज़र को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आपको अपने गूगल ब्राउज़र के अंदर सबसे पहले यहाँ पर लिखना है टोर डाउनलोड। टोर डाउनलोड लिख के आपको सर्च करना है। पहले आपको सबसे पहले जो ऊपर जो वेबसाइट का पेज आया है उसको आपको वो ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास है वो कुछ इस टाइप का है वो इंटरफेस है वो आपके सामने आएगा। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि आप टोर ब्राउज़र है वो किसके लिए यूज़ कर रहे हो। यदि निलेक्स के लिए कर रहे हो या एंड्रॉयड के लिए कर रहे हो, एप्पल के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर विंडोज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। तो मैं अभी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडो के लिए ओके कर दूंगा। और ध्यान रहे, टोर ब्राउज़र है वो बिल्कुल फ्री है, उसको आपका कोई भी चार्ज है वो नहीं देना पड़ेगा। तो ये मेरे डाउनलोड हो रहा है, 64 MB का है। तो डाउनलोड होने में जितना भी टाइम लगे, 10 सेकंड 5 सेकंड आपके पास, वो डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी है। बस ये डाउनलोड हो गया और इसको आपको ओपन करना है। ओपन करके इसको अपने PC के अंदर है इंस्टॉलेशन कर लेना, इंस्टॉल, और ये आपके PC के अंदर है वो इंस्टॉलेशन है वो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन होता है। ये देखिए हो गया। ध्यान रहे, एक ब्राउज़र का एक फोल्डर बना है, इस फोल्डर को आपको वो अपने PC के अंदर है वो अनइंस्टॉल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। यानी इस फोल्डर को यहाँ से डिलीट नहीं करना है। यदि आपने डिलीट कर दिया तो टोर ब्राउज़र है वो आपके PC से वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें कि यहाँ से ये जो फोल्डर है वो डिलीट नहीं करना है। अब अपने बहुत ही सिंपल तरीके से वो टोर ब्राउज़र है वो ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा है वो इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्ट करने में 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम लेगा। उसके जस्ट बाद आपको कुछ भी आप सर्च करो इसके ऊपर तो आपका जो सर्वर है जो आपका आईपीएस एड्रेस है या आपकी जो पीसी की इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी। किसी भी थर्ड वेबसाइट पे आप विजिट करते हो तो आप यहाँ से जाके वो विजिट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ से फेसबुक है वो सर्च किया, FACEBOOK,
तो मैंने यहाँ से फेसबुक है वो सर्च किया। तब मैंने फेसबुक को सर्च किया है तो मेरा जो IPS एड्रेस है वो फेसबुक के पास है, वो नहीं जाएगा, यानी ये टोर ब्राउजर उसको अपना IPS एड्रेस है वो सेंड करेगा। तो इससे फेसबुक को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने वो मेरा जो सिस्टम है या मेरा जो IPS एड्रेस है वो एक्चुअल में है क्या, वास्तव में मेरा जो IPS एड्रेस है वो है क्या, ये फेसबुक को भी नहीं पता चल पाएगा। तो इस तरीके से आप वो किसी भी तो किसी भी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो। इससे क्या है, सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका IPS एड्रेस क्या है और आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी वो भी है वो चोरी नहीं होगी। तो आप किसी भी थर्ड वेबसाइट से इस पे विजिट कर सकते हो जिससे आपका IPS एड्रेस लीक होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता है। और टोर ब्राउजर की फुल फॉर्म है द ऑनियन राउटर। तो आप इस पर किसी भी तरह की वेबसाइट को है वो सर्च कर सकते हो, जैसे गूगल है, फेसबुक है, उनके पास आपका जो IPS एड्रेस है वो बिल्कुल नहीं जाएगा और आपके सिस्टम की सूचना भी है वो भी हाइड रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें। धन्यवाद।